मेरा नाम महिमा दुबे है, मैं क्लास 12th की हूँ और शिवाजी साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। यूनिट सर, उसमें आप देखेंगे आपको स्पेस लैटिस के बारे में मिलेगा, फिर ब्रेवाइज लैटिस के बारे में मिलेगा, फिर नीचे तीन डायग्राम दिए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो चार बुलेट पॉइंट्स है, उसमें क्यूबिक लैटिस के बारे में दिया है, उसके बाद में टेट्रागोनल लैटिस के बारे में दिया है, उसके बाद में ऑर्थोहोम्बिक लैटिस के बारे में दिया है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको मोनोक्लिनिक लैटिस के बारे में मिलेगा, उसके नीचे ट्राइक्लिनिक लैटिस के बारे में दिया है, उसके नीचे हेक्सागोनल लैटिस के बारे में दिया है, उसके नीचे रोम्बोहेड्रल लैटिस के बारे में दिया है, उसके नीचे एक टेबल दिया है क्रिस्टल सिस्टम का जिसमें आपको एंगल एज लेंथ और एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में मिलेगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको दिया है कि चार कॉर्नर्स पे 1/4 ऑफ क्यूब स्फीयर प्रेजेंट होता है, उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में मिलेगा, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे ऊपर एक पैरा है उसके नीचे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में मिलेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में आप देखें उसके नीचे फिर आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल। सही है, ओके, थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एक्चुअली मेरी लर्निंग पावर बढ़ गई है और रिकॉल फास्ट हो रहा है। ओके, गुड, ऑल द बेस्ट।